साथ कौन कौन नहीं देंगे हाथ उठाए, सभी साथ देंगे ना इंशाल्लाह। अरे तकबीर, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें आपको अपने महबूब का उम्मती बनाया और अपने महबूब के महबूब का चाहने वाला बनाया। बिहम्दिही ताला, हम हुसैनी है और इस बात पर हमें फख्र है और रब की बारगाह में दुआ है कि जब तक हमारे जिस्म में जान है हम हुसैनी बनकर जिए और हुसैनी बनकर दुनिया से जाए। तो जिस जोश और जज्बे के साथ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने दीन इस्लाम को करबला की धरती पर बचाया, तो इमाम हुसैन की ये कुर्बानी ऐसी अजीम कुर्बानी है कि इमाम हुसैन ने जिस दीन के लिए इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी दी है अल्लाह ने उनके नाम को भी जिंदा रखा और उस जात को भी जिंदा रखा है और ऐसे जिंदा है कि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं और हुसैन गली गली में नजर आते हैं। तो बिहम्दिही ताला उनकी मोहब्बत हमारे आप के लिए बहुत लाजमी और जरूरी है क्योंकि इमाम हुसैन से इस्लाम सिर्फ हमें नहीं मिला बल्कि सबको मिला। कयामत तक के जितने मुसलमान हैं उन सब पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का एहसान है कि उनकी कुर्बानी से हम तक इस्लाम पहुंचा है। लिहाजा तो उनसे जब हमें इस्लाम मिला है तो उनकी मोहब्बत हमारे आप के लिए लाजमी और जरूरी है और ये मोहब्बत करने का सिला रब्बे कदीर हमें दुनिया में तो देगा ही मगर इसकी बशारत हमें नबी ने दी है कि जो मेरे नवासों से जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो ईमान पर मरेगा। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो मैं तुम्हारे नजदीक दो चीजें दिए जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत, इन्हें मजबूती से थामे रखना तुम गुमराह ना होगे। ये फरमान हमारे नबी का है और नबी का फरमान हक है क्योंकि ज़बाने मुस्तफा से जो बात निकलती है वो हक होती है। अब कोई अगर नमाज पढ़े तो ये दावा नहीं कर सकता कि वो गुमराह होने से बच जाएगा, कोई रोजा रखे तो ये दावा नहीं कर सकता कि वो गुमराह नहीं होगा, कोई हज करे ज़कात दे सदकात खैरात करे अच्छे काम करे तो वो दावा नहीं कर सकता कि वो गुमराह हो सकता है क्योंकि अच्छे अच्छे नमाजी बहक गए, अच्छे अच्छे रोजादार बहक गए, अच्छे अच्छे हाजी मुत्तकी परहेजगार बहक गए, मगर नबी ने गारंटी दी है जो मेरे आल से मोहब्बत करेगा वो गुमराह नहीं होगा। वाला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सुल्तान दो जहान पर सब का दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। उसके बाद हमें बहुत साथ दिया
और ना लगे किसी को नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाल्लाह इसी तरह हमारे सारे नौजवान जो है वो एक फिटनेस हासिल करें इंशाल्लाह। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।
घबरा मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये सालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो वक्कर बना का आखिरी मैदान बाकी है। हाय कौन मोहम्मद, कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। आजादी का महापर्व पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, लिहाजा इत्तेहाद न्यूज भी इस मौके पर पूरे मुल्क में संविधान, मुल्क में बढ़ती महंगाई, बढ़ती मजहबी तशद्दुद, भारत की बदलती तस्वीर, झूठ फरेब जुमलेबाजी की सियासत, गरीबी, भुखमरी और धर्म राजनीति, गिरता रुपया, गिरती मईशत और विश्व गुरु का खौफ, कहां तक हकीकत और फसाना। लिहाजा बेलगाम शहर के नामचीन नामवर और इल्मी माहिरीन से बेबाक ख्यालात और मुलाकात सिर्फ इत्तेहाद न्यूज पर। साथ में अब आप इत्तेहाद न्यूज ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम खबरों को एक ही ऐप में आप जब चाहे देख सकते हैं। पैगाम इत्तेहाद अखबार और वेबसाइट और यूट्यूब पर शाया होने वाले वीडियोस इत्तेहाद न्यूज के ऐप पर देख सकते हैं। डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे इत्तेहाद मीडिया।